वेलकम बैक टू शॉक पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 61.70 पे ट्रेडिंग कर रहा है एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक, यानी कि 2.35% की गिरावट हो चुकी है। आज के दिन में फिर से यहाँ पे 3.67% की गिरावट होती हुई नजर आ चुकी है। एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट वन मंथ में बहुत सी गिरावट हो चुकी थी, फिर भी करंटली इस मंथ में भी यहाँ पे गिरावट होती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप देख सकते कि आज गैप डाउन से ओपन हुआ, गैप डाउन से ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते 62 लेवल के ऊपर स्टेबल था, पर रिसेंटली 62 को ब्रेक करके रिसेंटली 62 के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग 64 की, आज जो ओपन हुआ था 62.75 में गैप डाउन से ओपन हुआ था, हाई बना था 63.50 का और लो है 61.50 का। मार्केट कैप है 8.50,000 करोड़ का, पी रेशियो 25.95 का है। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और वन मंथ की बात किया जाए तो वन मंथ में तकरीबन 23.43% की गिरावट हो चुकी थी एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक में। चार्ट एनालिसिस पर भी नज़र डाली जाए तो इस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन जैसे यहाँ पे इस मंथ स्टार्ट में मंथ ऑफ स्टार्ट में यहाँ पे गैप डाउन से ओपन हुआ था, फिर यहाँ पे मंथली सपोर्ट 1 को ब्रेक किया था, फिर रिसेंटली कल के दिन में सपोर्ट 2 को ब्रेक करके नीचे आया था। तो सपोर्ट 3 जो है 60 लेवल के नीचे, तकरीबन 60 लेवल एक सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी जब भी नीचे आता है यहाँ पे एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक को। 60 लेवल को ब्रेक करता है तो 57 to 56 लेवल तक यहाँ पे पहुँचने के मौके है, क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है एचएफसीएल स्टॉक के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के लिए।